दोस्तों अगर आप भी अश्विन जडेजा और अक्षर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 6 विकेट लेकर इतिहास रचने के बाद रविचंद्र अश्विन ने अपने बयान में 100 करोड़ भारतीयों से लेकर रोहित और कोहली पर कुछ ऐसा कहा कि सभी का दिल जीत लिया। आखिरकार अश्विन ने अपने बयान में क्या कह दिया दोस्तों, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अश्विन और जडेजा में एक बेहतर ऑलराउंडर कौन है, हमें नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के 4थे टेस्ट मैच के 2रे दिन के खेल में भले ही कंगारुओं ने पासी मारी हो, भले ही उन्होंने रनों का पहाड़ बनाया हो, लेकिन हमारे भी एक गेंदबाज ने इतिहास रचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की। दोस्तों अश्विन के बारे में कौन नहीं जानता, इनकी उम्दा गेंदबाजी हमने पूरी सीरीज में देखी है, टेस्ट के बादशाह गेंदबाजी में। दोस्तों आपको बता दें कि आज तो आपने उस्मान ख्वाजा के 180 रन देखे, कैमरून ग्रीन का शतक भी देखा होगा जाहिर सी बात है, लेकिन जो आपने मिस किया वो यह है कि गेंदबाजी के दौरान वो रविचंद्र अश्विन ही थे जिसने बैक टू बैक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि भारत को पूरे के पूरे 6 विकेट लेकर दिए। एक बार फिर से 2021 का इतिहास दोहराते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपनी उम्दा स्पिन गेंदबाजी से परखच्चे उड़ाकर रख दिए कंगारुओं के इस मोटेरा के मैदान में और 6 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों इन 6 खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉड मर्फी, नेथन लियोन, मिशेल स्टार्क से लेकर ट्रेविस हेड जो सलामी जोड़ी का हिस्सा थे, यहाँ तक कि एलेक्स कैरी जैसे दिग्गजों को भी अश्विन ने ही आज अकेले निपटा कर रख दिया और पूरे 6 विकेट अपने नाम किए। और दोस्तों जहाँ अन्य गेंदबाजों ने 24-24 ओवर के अंदर शतक लगवा दिया अपनी गेंदबाजी में रन लुटाने के मामले में, तो अश्विन ने पूरे 47वें ओवर के अंदर भी दोस्तों उसी एनर्जी से गेंदबाजी कराई और ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दोस्तों अश्विन की यही गेंदबाजी तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना गई है। आपको बता दें दोस्तों कि अश्विन ने अब टेस्ट क्रिकेट में अपने 470 विकेट पूरे कर लिए और इतना ही नहीं, दिन का खेल खत्म होने तक दोस्तों अश्विन के नाम पूरे 473 विकेट दर्ज हो गए हैं। ये दर्शाता है कि दोस्तों अश्विन की कामयाबी कितनी ज्यादा हो गई है। दोस्तों अश्विन तो बुलंदियों पर चढ़ ही गए हैं, लेकिन इतनी ऊपर पहुंचने के बाद भी वो जमीन से जुड़े हैं और उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें दोस्तों कि रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट हासिल करने के बाद अपने बयान में कहा, इस लम्हे को शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा, ये मैदान वाकई में खास है। यहाँ पर 2021 में जब खेलने का मौका मिला तो अक्षर ने मुझसे भी बेहतर गेंदबाजी कराई थी, लेकिन आज जब गेंदबाजी का मौका फिर से मिला और जब मैं 6 विकेट लेने में कामयाब हो पाया तो इसमें भी हमारे गेंदबाजों का बराबर का समर्थन है। मैं जानता हूं कि विकेट्स लेने में हमने थोड़ी देरी जरूर कर दी, लेकिन यहां पर बल्लेबाजों को भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। हमें गेंदबाजी यूनिट के तौर पर भले ही फेल हुए हैं, इसलिए मैं इस लम्हे को ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये 6 विकेट के हॉल को मैं समर्पित करूंगा हमारे भारत के सभी फैंस को जो हमेशा हर जगह हर फॉर्मेट में हमें समर्थन करने के लिए आते हैं, साथ ही मेरे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को भी जिन्होंने हमेशा टेस्ट फॉर्मेट में तो मुझे हमेशा समर्थन किया है, आगे बढ़कर मौके दिए हैं। 6 विकेट लेना आसान नहीं और इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो सबके बराबर सपोर्ट की वजह से। दोस्तों अश्विन का ये कहना वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है अश्विन, जड्डू और अक्षर तीनों में सबसे बेहतर स्पिनर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।